लगातार हुई बारिश से जहां कई जगहों पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसानों के चेहरे लगातार बारिश से खिल उठे हैं। जिले के मैदानी भागों में खेती का कार्य जोर पकड़ लिया है। इन दिनों की बारिश से भले ही नदियों में उफान हो, कुछ लोगों को परेशानी भी हो, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश राहत भरी है। इस बारिश के चलते किसानों के खेत की जुताई होने लगी है। बोकारो में किसान खेतों में हल चलाते हुए देखे जा रहे हैं, तो कहीं ट्रैक्टर के जरिए जुताई का काम कर रहे हैं ताकि खेतों में ज्यादा से ज्यादा धान रोपने का काम किया जा सके। इसके लिए क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूर भी लगे हुए हैं। बोकारो जिले के अंतर्गत 50 प्रखंड में धान रोपने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे किसान काफी ज्यादा खुश हैं। 3 दिन से भारी बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है और आज पिंडरा चोरा इलाके में धान रोपते हुए देखा जा रहा है। किसान बहुत ही खुशी से धान रोपनी का कार्य करते दिखे। किसानों का कहना है कि पहले बारिश नहीं हो रही थी, ऐसे में खेतों में पानी नहीं था, धान रोपनी कैसे होता चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से बारिश हुई है, धान रोपनी शुरू हो जाएगी। खेतों में पानी भर जाने से अब धान रोपनी करना आसान हो गया है। बोकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।